चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 का ऐलान। रोहित ने 3-3 खिलाड़ियों को किया बाहर। हिटमैन ने बना दी धासु प्लेइंग 11। अब टीम इंडिया की जीत पक्की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से जीता हुआ मैच गंवा दिया, लेकिन फिर भारतीय टीम ने दूसरे मैच में दमदार वापसी करते हुए इंग्लैंड की टीम को विशाखापट्टनम में 106 रनों से हरा दिया और सीरीज 1-1 की बराबरी पर ले आई। इसके बाद राजकोट में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने धासु प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 434 रनों से जीत दिलाई और सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा। इस सीरीज के चौथे मैच के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। रोहित ने चौथे टेस्ट की टीम में 3-3 बदलाव किए हैं। कौन से 3 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है और अब कौन से खिलाड़ियों की हुई है टीम में एंट्री, सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया चौथे मैच में जीत दर्ज कर पाएगी, क्या भारतीय टीम इंग्लैंड से यह टेस्ट सीरीज जीत पाएगी। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। ओपनिंग जोड़ी में नहीं होगा बदलाव। इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने जो 2-1 की बढ़त बनाई है उसमें ओपनिंग जोड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यशस्वी जायसवाल पिछले 2 टेस्ट मैचों में दोहरे शतक जड़ चुके हैं तो रोहित शर्मा ने भी राजकोट में शतक जमाया था। ऐसे में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं होगा। यशस्वी और रोहित की जोड़ी आपको एक बार फिर से ओपनिंग करती हुई नजर आएगी। नंबर 3 पर दिखेंगे शुभमन गिल। नंबर 3 पर पिछले मैच में शुभमन गिल खेले थे और उन्होंने दूसरी पारी में 91 रनों की शानदार पारी खेली थी। भले ही शुभमन गिल शतक जड़ने से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्म को तलाश लिया है। उन्होंने वाइजैग में भी दूसरी पारी में शतक जड़ा था। ऐसे में रांची में आपको शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 4 पर होगा बड़ा बदलाव। चौथे टेस्ट मैच में नंबर 4 पर आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रजत पाटीदार प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह पर आपको केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। राहुल ने सीरीज का पहला मैच खेला था और इस मैच में वह चोटिल हो गए थे, इसी वजह से वो सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच नहीं खेल पाए थे। अब केएल राहुल फिट हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार पिछले 2 मैचों में मिले मौके को भुना नहीं पाए। ऐसे में चौथे टेस्ट में आपको केएल राहुल वापसी करते हुए दिखाई देंगे। सरफराज ने डेब्यू में मचाया धमाल। टीम मैनेजमेंट ने तीसरे मैच में सरफराज खान को मौका दिया और सैफू ने अपने दमदार बल्लेबाजी के दम पर सभी का दिल जीता। उन्होंने राजकोट टेस्ट की दोनों पारियों में 8 शतक जमाया और इंग्लैंड की मुश्किलों को बढ़ाया। ऐसे में अब रांची में भी आपको सरफराज खान नंबर 5 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 6 पर भी जुरेल दिखाएंगे जलवा। पिछले मैच में टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज में बदलाव करते हुए केएस भरत की जगह ध्रुव जुरेल को खिलाया गया था और जुरेल ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने पहली पारी में 46 रन बनाए तो वहीं विकेट कीपिंग में भी उन्होंने शानदार काम किया। ऐसे में टीम मैनेजमेंट रांची में जुरेल को ही प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने वाली है। नंबर 7 पर दिखेंगे जडेजा। तीसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने वापसी की और क्या कमाल की वापसी की। राजकोट के राजा ने पहले बल्ले से शतक जमाया, फिर दूसरी पारी में गेंद से धमाल मचाते हुए 5-5 विकेट चटकाए और उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। ऐसे में जडेजा रांची में भी आपको नंबर 7 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 8 पर दिखेंगे अक्षर पटेल। नंबर 8 पर आपको अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे। अक्षर पटेल ने पहले दोनों मैचों में बल्ले और गेंद दोनों से ही ठीक ठाक प्रदर्शन किया है तो ऐसे में अक्षर पटेल आपको इस सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में नंबर 8 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। आर अश्विन को टीम मैनेजमेंट ने चौथे टेस्ट से आराम देने का फैसला किया है। नंबर 9 पर होगी कुलदीप की एंट्री। कुलदीप यादव ने इस टेस्ट सीरीज के पिछले दोनों मुकाबलों में अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे में कुलदीप आपको रांची में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। चौथे टेस्ट में नहीं खेलेंगे बुमराह। जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। ऐसे में चौथे टेस्ट मैच में बुमराह को वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा, इसी वजह से बुमराह रांची टेस्ट में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उनकी जगह पर मुकेश कुमार प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। नंबर 11 पर खेलेंगे सिराज। सिराज ने राजकोट टेस्ट में अपनी गेंदबाजी से धमाल मचाते हुए 4-4 बल्लेबाजों का शिकार किया था। ऐसे में बुमराह की टीम में न होने पर सिराज की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उन्हें इंग्लैंड के बल्लेबाजों को और ज्यादा परेशान करना होगा। कैसी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे।
दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया चौथे टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।